जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी की जो महिला टैलेंट्स को हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, हमारे तरफ से प्रयास करेंगे। और आज का ये जो फेस्टिवल है, उनके जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं शरद जोशी विचार मुंशेतकरी संगठन, वो हमारे साथ में है। आज आप देख रहे हो कि जो फार्मर्स की जो समस्या है, जो सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, ये बहुत ही दुखद बात है कि जो किसान है, लेकिन जैसे कि बीएमसी कर्मी, डॉक्टर्स और फार्मर्स के वजह से आज हम लोग यहाँ पे सांस ले पा रहे हैं। और उनकी हक की लड़ाई पूरे महाराष्ट्र लेवल पे, इंडिया लेवल पे, बहुत ही बड़े लेवल पे सर कर रहे हैं। और मैं इनके लिए एक तालियां हो जाए आपकी तरफ से, कि ऐसे लोग बहुत दुनिया में कम होते हैं दोस्तों, जो आपकी हक की यानी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी लड़ाई वो लड़ते हैं। तो इनका ऋण है हमारे पे, क्योंकि हमारे हिस्से की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और इतने दूर से ये आए हैं, आज पुणे से सर यहाँ पे आए हैं और बोले कि आप भी वुमेंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, मेरा सपोर्ट है आपको। और इनके वजह से ही आज वुमेन सिनेमा जो आप देख रहे हो वो हो पा रहा है। और कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम लोग को सिर्फ 50 लोगों का ही परमिशंस मिला है, इसलिए हम लोग ने ओनली मीडिया के पर्सन्स को इन्वाइट किया है और साथ ही साथ कुछ ही अवॉर्डी को यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है। जैसे कि वुमेन सिनेमा में हम लोग ने ऑल ओवर वर्ल्ड से लगभग 100 लोगों को चुना है, जो 70 लोग हिंदुस्तान के बाहर से है और जो 30 लोग हैं हमारे इंडिया से है, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग जिनको हमको यहाँ पे बुलाना बहुत ही ज़रूरी था, उनको हम लोग इन्वाइट किया है। तो सर आप कुछ बोलना चाहोगे दो शब्द या फेस्टिवल शुरू करें? ठीक है, हम फेस्टिवल की शुरुआत करते हैं अरुणा सिंह से। प्लीज अरुणा सिंह जी का वीडियो प्ले कीजिए। प्रिया ठीक है ना, हम ये अनुराधा सिंह जी का वीडियो हम शिक्षक संघ का अध्यक्ष जो इस चीज को प्रेजेंट कर, फाइनली प्रोड्यूसर आल्सो खूब काम करे आणि नंतर खूब मूवी आले द लॉट, और बहुत लड़कियां बाद में आ गई, बट मैं पहली लड़की थी जो मुझे बहुत बहुत कोशिश करना पड़ा, बहुत सामना करना पड़ा हर चीज के लिए। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आप औरत का सम्मान कर रहे हो, औरतों का बढ़ावा दे रहे हो, कि जो उनका पसंदीदा जो भी क्षेत्र है उसमें आप उनको इनकरेज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड प्लीज सेलिब्रेट वुमेन इन सिनेमा। मैं सबको बोलूँगी जस्ट सेलिब्रेट, बिकॉज वुमेन ब्रिंग दैट समथिंग स्पेशल जो आप उनको नहीं मिलेगा कभी। थैंक यू सो मच मैम, कि जैसे कि मैडम ने ये कहा, ये भी मुझे अभी पता चला कि ये इन्होंने क्या यातना इस उस वक्त सही होगी जब ये सिर्फ अकेले थे इंडस्ट्री में, क्योंकि वो एक डायलॉग है माउंटेन मैन में कि जो औरत का दर्द नहीं समझता मैं उसको मर्द नहीं समझता। तो मेरे ऑटोबायोग्राफी बेयर फ्रीडम माय स्टोरी करके उसमें बहुत चीज़ें लिखी हैं, कैसे मैं बचपन से फिल्मों में जाना चाहती थी, करना चाहती थी, और फाइनली कैसे मैं मेडिकल में गई थी। आई वाज मेडिकल स्टूडेंट, ग्राम मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, मैंने छोड़ के आफ्टर फर्स्ट MBBS फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन करी। आई वॉज वेरी वेरी, यू सी माई मदर वॉज वेरी डायनेमिक, तो ऐसी औरत मेरे पीछे खड़ी थी मेरी माँ, तो मुझे उन्होंने मेडिकल कॉलेज से निकाल के, मेरिट पे गई हुई मेडिकल सीट था वो, मेडिकल कॉलेज से निकाल के फिल्म इंस्टीट्यूट में डाल दिया, और उसके बाद इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर मी। ये मैं ये सारे मीडिया पर मैं सुनता हूँ कि अभी गए 2 साल में काफ़ी सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं बॉलीवुड में, तो लोग काफ़ी तरह की बुराई करते हैं। जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूँगा तो मैं 15 साल से सिर्फ उसी की बॉलीवुड की ही रोटी खा रहा हूँ, और बॉलीवुड की जब बातें होती है आजकल जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और ख़ास करके लड़कियों की बात करें तो फीमेल्स के लिए ये अच्छी जगह नहीं है, अच्छे लाइन नहीं है, तो उस चीज़ को एक बहुत बड़ा ये तमाचा है। इनका जो अचीवमेंट है अरुणा जी का, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि MBBS की स्टडी इनके छोड़ने के बाद में इन्होंने जो अचीवमेंट किया, और सल्यूट है इनके माता पिता को भी जिन्होंने एक बेटी के ऊपर इतना बड़ा आदि का ये जो रिक्स लिया। ये सुनिए कि बहुत दुख की बात होती है कि यही वही हिंदुस्तान है
जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता था, जिंदा जलाया जाता था, और आज वही औरत को 5 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं और उनके साथ मैं हूँ। बहुत खुशनसीबी, बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज जो जो कहानियां मैं कहने चाहिए लोग देखते रहे और मुझे बढ़ावा मिलता गया। तो आप सब लोग जो फिल्में देखते हैं, देखते रहिए, बस उतना ही कहूँ। एक छोटी सी शुरुआत की है मैम हम लोग ने कि उमंग सिनेमा विचार आपका शेयर चरण जोशी विचार मन शेतकरी संगठना, अगर ये लोग नहीं है तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और सर उनकी हकी लड़ाई गए 20 साल से लड़ रहे हैं, ये 32 ईयर से लड़ रहे हैं। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्या इम्पोर्टेंट है कि ये सब एक जुड़ना, सी ये मैं देख रही हूँ एक शेतकरी संगठन भी है और कोई पार्टनर अलग है, म्यूजिक वाले हैं, इवेंट वाले हैं, सारे हैं, क्रिएटिव पीपल है, बिजनेस पीपल है, सारे मिलजुल के हमारा समाज बना। अपने वक्त दिए इसलिए ये छोटी सी शुरुआत की है, आगे आपका लोग साथ रहेगा तो ये हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। मेरे साथ आपके साथ है। और दूसरा, मैंने हमने लास्ट ईयर पैंडेमिक टाइम में एक छोटा सा फिल्म स्कूल शुरू किया, क्योंकि सब लोग FTI तो नहीं जा सकते, तो छोटा सा शिफ्ट फोकस करके स्कूल चालू किया है। उधर भी बहुत लड़कियाँ लड़के लोग आते हैं, बहुत एस्पिरेशन लेके आते हैं और उनको भी कुछ करना है। सो आई थिंक द मैदान खुल रहा है सबके लिए। तो ये एनकरेजमेंट आप लोगों को दे रहे तो बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। माननीय मॅडम राष्ट्रपती सन्मानित आहेत, त्यांचा या ठिकाणी शरद जोशी विचारमन शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय किसान संघटनेच्या वतीने या ठिकाणी सन्मान करण्यात येत आहे, त्यांनी त्याचा स्वीकार करावा अशी विनंती प्रोफेसर पटेल। कि वो जौहर करती है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। महिलाएं हमेशा से सशक्त रही हैं, लेकिन कुछ कारणों के कारण जब उनको दबाया गया, उनको घरों में बंद करके रख दिया गया, तो जैसे आपने बताया सावित्रीबाई फुले जी ने, उन्होंने एक बार फिर से हमें एक रास्ता दिखाया, एजुकेशन मिला हम लोगों को और धीरे धीरे जो है हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरे पिताजी प्रोफेसर थे, सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे, और हम 9 बहने हैं और 9 सूरज की तरह हैं हम लोग, और मेरा एक भाई है, मेरी अपनी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन हमको कभी भी पढ़ाई के लिए रोका नहीं गया। मेरे पिताजी ने कहा कभी कोई दहेज का 1 रुपया नहीं दूंगा, लेकिन लड़कियों को पूरा एजुकेशन दूंगा, उनको उनका समर्थ बनाऊंगा, उनको पैरों पर खड़ा करूंगा। सो हमारे घर में 5 बहनें जो हैं वो डॉक्टरेट हैं लिटरेचर की, और मैं भी खुद MA हूँ, लेकिन फिर नृत्य में शिक्षा ली, नृत्य किया कर रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो ये जो आप लोगों का कार्य है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग हमारे अन्नदाता हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी आपको हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आज सावित्री फुले जब ऊपर से जब उनका मैं अनुराधा जी के बिहाफ पर ये ले रहा हूँ, मैं मुझे लेने का ये हक नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से कि अनुराधा जी जब संघर्ष कर रहे थे मुंबई में, उसी दौरान मैं भी आया था, और अरुणा जी ने जो बात कही कि डॉक्टरेट कर रही थी, वो डॉक्टर की पढ़ाई और उसके बाद सिनेमा में आई, अनुराधा जी के साथ भी यही था कि मैं शुरू से उनको जानता हूँ, वो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही थी और उसके बाद वो छोड़ करके फिल्मों में आई, बड़ा लंबा उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने असिस्टेंट रही, फिर उसके बाद रीनू सलूजा जी ने उनको कहा कि आप FTI ज्वाइन करें और एडिटिंग आप सीखें, आप ये करूँगा, तो उनके संघर्ष को मैंने करीब से देखा, इसलिए उन्होंने कहा मुझे कि आप जाइए, आप बेहतर इंसान हैं, तो मैं यहाँ था। वो बिहार में हैं, वो बाहर की फिल्में ज़्यादा एडिट करती हैं, हॉलीवुड के ज़्यादा सिनेमा उन्होंने एडिट किया है, जिसमें स्लमडॉग मिलेनियर की वो असेंबली एडिटर थी, जिनका ऑस्कर मिला और वहाँ उनको सम्मानित किया गया, उनके नाम को लिया गया। और ये इंडियाज डॉटर एक डॉक्यूमेंट्री रही है जो कि सारे दुनिया में बहुत ज़्यादा उसको प्रशंसा मिली है और पुरस्कार मिले हैं, तो ये अनुराधा जी के बारे में थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता था।
और सारे महिलाओं को जो संघर्ष करना पड़ता है इस क्षेत्र में खासकर, वो बहुत अद्भुत। उसके बाद भी बने रहना और अपनी जगह बनाए रखना ये मामूली काम नहीं है, और इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। धन्यवाद। ये बहुत सर, आज मुझे बहुत अलग ये महसूस हो रहा है कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि सर कि सर ने अभी बता कि आज इस शो में आएगी और उस शो में वो अरेंजमेंट करने का मुझे पर डे का 130 रुपये मिला था सर, 130 रुपीज़, और चाय नाश्ता मिलता था, और फिर 10 दिन होने के बाद में फिर लोग बिगड़ जाते थे, फिर उसके बाद में चल के धारावी से घर पे आना पड़ता था, और आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, 3 फिल्में आज राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ, और सोचा कि कुछ समाज के लिए कर इसलिए शुरुआत की है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत एक बार उधर ले विठ्ठल की और सॉरी सर महेंद्र काबरा यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी मॅडमला ट्रॉफी देऊन सन्मानित करावं। किसान सहकारी संघ वास्तव में जब यहाँ पर आए So actually, what's the thing is that they have facilitated me, and I'm very happy to know about that. And it was not in my knowledge even that worked it this way. But as I heard so many dignitaries from here, कि उन लोगों ने ladies के लिए बहुत अच्छा काम किया है. What I think कि our India is a different thing. यहाँ पर हमेशा से ladies का बहुत सम्मान होता था. But कुछ time ऐसा आया जब लेडीज़ के सम्मान में कहीं ना कहीं रोक दिया गया. अगर हम अपने रिलीजियस उसमें जाएंगे तो ऑलवेज वी से उमा शंकर, राधा कृष्ण, सीता राम, तो हमेशा से रेस्पेक्ट दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये रेस्पेक्ट ख़त्म होता चला गया. लेकिन आज के टाइम पर बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग अस द ओनर ऑन दैट, तो हम यही कहेंगे कि जब तक जेंट्स इसमें नहीं आगे आएंगे तो लेडीज अकेले वर्किंग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दोनों मिलकर के ही काम करते हैं. अगर घर से बैक सपोर्ट मिलता है तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वी शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन द शोल्डर ऑफ दोज पर्सन्स. अगर कहीं पर कोई रुकता है तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, बट हमको बहुत अपने आप में एक ताकतवर बन के और इस फील्ड में आगे बढ़ना है. As I came to know that आपने बहुत अच्छा उसमें किया, and you are the first lady in women cinema. अगर women cinema का काम को बहुत आगे बढ़ाया जाएगा, और इसी तरह से अगर ladies को कहीं ना कहीं से support मिलती रहेगी, तो कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप में strong होना बहुत ज़रूरी है. If we are not strong, nobody can help us. कहीं ना कहीं जो अभी एक वर्ड सुनने में आया कि छोटा या बड़ा फंक्शन, छोटा या बड़ा नहीं है, हर चीज़ की स्टार्टिंग एक फर्स्ट स्टेप से होती है. इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन द टेरिस बट वी हैव टू गो ऑन द फर्स्ट स्टेप देन वी कैन गो ऑन द टेरिस. तो उसके लिए जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और जस्ट 50 पीपल आर अलाउड इन दिस फंक्शन, तो डेफिनेटली इन लोगों के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे हैं, एंड आई होप सो इट विल ग्रो डे बाई डे. थैंक यू बिकॉज आई नॉट हैव टू मच ऑफ टाइम ऑलरेडी, द प्रोग्राम इज वेरी लेट. सो आई वॉज इंटरेस्टेड टू इंटरेक्ट सो मैनी थिंग्स, बट लेटर वेन एवर विल मीट अगेन, सो डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट दैट. थैंक यू, एंड आई वॉन्ट टू से शरद जोशी विचार संगठना, इट विल ग्रो डे टू डे.
स्केच बनाती है, यानी इतनी बड़ी कलाकार होने के बावजूद इतने बिजी शेड्यूल में से अपने स्केच और अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना, ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही अचीवमेंट वाली बात है। श्रेया मी या ठिकाणी माहेश्वरी पाटील आणि या ठिकाणी आमचे श्रेया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, आप रिलेशन बनाए रखो शायद और फिर आपको ब्रेक मिल जाए नेक्स्ट मूवी में इनके, और प्रोड्यूसर भी है वो माहेश्वरी जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों तरफ से है तुम्हारे आजू बाजू में, और एक तरफ शेतकरी संगठन। आप कुछ बोलना चाहोगे मैडम? थैंक यू वेरी मच। ओके तुम्हारा क्या बोले सकते मैडम? अच्छा, इनको इनवाइट किया गया है सिर्फ इसी चीज के लिए कि ये हमारे से हमेशा एसोसिएट रहे हैं, तो इनको ये देना बहुत जरूरी था। अविनाश बोलते सर जो फास्ट लिंक के डायरेक्टर एंड स्क्रीन पर राइटर है उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, और फास्ट मूवी के जो प्रोड्यूसर एंड दूसरी तरफ है शेतकरी संगठन के सबसे बड़े स्तंभ विठल राजे पवार। अगर साहब आप कुछ कहना चाहोगे? चार बंद बोलूंगा कि चरागों को आंखों में महफूज कर लो, चरागों को आंखों में महफूज कर लो, न जाने कहां फिर सियाह रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद। ये अवार्ड ऑलरेडी ऑनलाइन डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन ये दो पुरस्कार हमें ऐसा लगा कि यहाँ पर ये दो पुरस्कार इनके हाथों से होना चाहिए, इसलिए इनको इनवाइट करना पड़ा। बिग थैंक यू। आणि शेतकऱ्यांच्या एका नवीन पर्यायाला या ठिकाणी आपण एक शेतशिवार नावाची आम्ही या ठिकाणी एक कवितेचा संग्रह या ठिकाणी दिलेला आहे, याच्यामध्ये एक मोठ्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी संघटनेने केलेलं आहे। 29, 27 आणि 26 विशेष अंकाचं प्रकाशन या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या हस्ते होत आहे। या ठिकाणी मी विनंती करेल बांदल साहेब, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपल्या हायकोर्टाचं आपलं काम पाहणाऱ्या आपल्या सर्वांच्या भगिनी शिल्पाताई तल्लार यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान करण्यात येत आहे। घ्या अनिल, इथे या ना, एक कार्यकर्ता डॉक्टर इकडे या, महेंद्र काबरा सर या, पटकन या दोन्ही डॉक्टर या, आप भी आइए मॅडम सुषमा बजाज। साहेबांनी करावा घ्या पटापट ट्रॉफी घ्या, मी नाव सांगतो, वेळ लावू नका। ओके, या ठिकाणी पुढचा सन्मान डॉक्टर पाटील आमचे सॉरी डॉक्टर गजेंद्र पाटील यांचा सन्मान या ठिकाणी करावा, त्यानंतर डॉक्टर महेंद्र काबरा यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान करावा। या ठिकाणी संघटनेच्या वतीनं ती ट्रॉफी घ्या। या सिनेमाच्या लेखिका आणि यांचा सत्कार या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या हस्ते करण्यात येत आहे। माहेश्वरी पाटील दुसरी घ्या छोटी। अविनाश कोलते सर या फिल्मचे डायरेक्टर आहेत, त्यांचा देखील या ठिकाणी सन्मान बाबासाहेबांनी करावा अशी विनंती करतो। सुषमा बजाज यांचा देखील या ठिकाणी आमदार साहेबांनी सन्मान करावा अशी विनंती करतो।
या ठिकाणी मालती पाटील स्वातीताई कदम यांनी पटकन पुढे यायचं आहे, त्यांनी त्यांचा सन्मान घ्यायचा आहे, जिजाबापू गलांडे आणि सगळ्या बुके घ्यायला पुढे राजू चौधरी पुढे या बुके से पुढे या पाटील साहेब पुढे या पाटील साहेब इथे बापू गलांडे या ठिकाणी मुंबई शहराच्या अध्यक्ष सुषमा राठोड आणि रोही रोहन आपण या ठिकाणी आहोत. संघटनेचे बँकिंग तज्ज्ञ जाजू त्याचप्रमाणे महाजन सुलभा महाजन मॅडम रोहन गंगावने हे ठाणे आणि भिवंडीचे अध्यक्ष आहेत. बँकिंग तज्ज्ञ जाजू साहेब जालना जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुलभा सूर्यवंशी कोण राहिले का हां संघटनेचे युवाध्यक्ष आणि ॲडव्होकेट शारदा पवार जाधव त्याचप्रमाणे गंगाराम जाधव जालन्याचे कामगार आघाडीचे यांनी देखील या ठिकाणी येऊन त्यांचा सन्मान घ्यावा. प्रकाश पोरवाल कोण राहिले तू राहिले यांनी 32 आंदोलनामध्ये आतापर्यंत सहभागी घेतलेला आहे. राणा सत्यजित पवार आमचा नातू आहे. या ठिकाणी कोण वय आता तो चौथीला आहे 9 वर्षाचा आहे. प्रवीणजी चांडक साहेब आपण या ठिकाणी यावं. हा संघटनेचे अध्यक्ष राष्ट्रीय सल्लागार प्रवीण चांडक आणि संघटनेचे काम करणारे आमचे दुसरे सहकार पटकन या इकडे समोर कोण राहिले अजून मागे कोण राहिले ये ये दोघं इकडे कोणाचा राहिला असेल हॅलो शरद जोशी विचारवंत शेतकरी संघटना प्रदेशाध्यक्ष श्री विठ्ठल पवारराजे यांचा सन्मान या ठिकाणी शरद जोशी विचारवंत शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शुभ हस्ते होत आहे. धन्यवाद. मधुर बजाज प्लीज ये सदन थैंक यू. श्रीयुक्त मधुरजी बजाज यांचाही या ठिकाणी सन्मान करण्यात येत आहे. झालं का
थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे अपने अवार्ड से नवाजा जा रहा, क्या कहना चाहेंगे? किसान क्षेत्र एक साथ आकर, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसान तो जो है हमारे अन्नदाता हैं, तो वो अगर फिल्मों के साथ में जो आज अवार्ड फंक्शन है उसके साथ में जुड़े हैं, तो ये मेरे ख्याल से मैंने ऐसे पहले कभी कॉम्बिनेशन देखा नहीं है कि किसान संगठन ने कुछ मिल करके फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए कुछ किया हो। और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि वो लोग इस चीज़ को इस तरीके से रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हो रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, और साथ में ही हम लोगों को तो हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहना ही है। अन्नदाता हैं हमारे, और इतनी बढ़िया से हम तो कोविड में फिर भी घर बैठे हैं, लेकिन वो तो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं, कैसी भी आंधी तूफान कुछ भी आए वो निरंतर हमारे लिए कार्यरत रहते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग इस तरीके से हमारे लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, इसीलिए आज हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत तो खैर थी, क्योंकि ये जो नृत्य शैली है घूमर, वो आमतौर पे राजपूत घरानों में, मतलब राजघरानों में जनानी सेक्शन में होता है। तो रानी महारानियाँ तो कभी पब्लिकली सार्वजनिक स्वरूप में उन्होंने कभी नृत्य किया नहीं, तो लोगों ने देखा नहीं है इसको। तो मेरी जो डायरेक्टर थी जिनसे मैंने सीखा, वो किशनगढ़ एक जगह है अजमेर के पास राजस्थान में, वो वहाँ की राजकुमारी थी। तो जब उन्होंने देखा कि घूमर का स्वरूप इतना विकृत होता चला जा रहा है, तो उन्होंने 1986 में गणगौर घूमर डांस अकेडमी की स्थापना की, जिससे कि वो लोगों तक जो सही स्वरूप है कि रानी महारानियाँ किस तरीके से जनाने में नृत्य किया करती थी, वो दिखाया जाए। अब देखिए, लोग आमतौर पर लोगों की धारणा है कि रानी महारानियाँ क्यों डांस करेंगी। नृत्य करना कोई शर्मनाक बात नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे को भी देखेंगे तो जब वो खुश होता है वो नृत्य करता है, वो नाचता है, उछलता है, कूदता है। नृत्य जो है हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति की चीज़ है, तो इसलिए नृत्य करना जो है, उस ज़माने में टीवी नहीं हुआ करता था, रेडियो नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, तो आपका मनोरंजन कैसे होगा? तीज त्यौहार है, शादी ब्याह है, घर में बच्चा हुआ है, जो महाराजा है वो जंग जीत करके आए हैं, आप उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? तो यही एक तरीका होता था जब जनाने में सारी महिलाएं, घर की महिलाएं इकट्ठा होकर के नृत्य करती थी, तो लोगों ने कभी देखा नहीं। साल में एक बार किले का दरवाज़ा खुलता था तीज के त्यौहार पर, और उसमें भी सिर्फ गाँव की महिलाएँ ही वहाँ पर आने के लिए उनको अनुमति होती थी, और 8 साल से बड़ा लड़का अलाउड नहीं होता था। तब उन लोगों को साल में एक बार मौका मिलता था देखने का। तो राजमाता साहिबा ने उस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए ये अकेडमी बनाई और हम लोगों को सिखाया। तो जब दीपिका को हम सिखा रहे थे, तो उनको पहले बताया जाना ये ज़रूरी था कि ये कल्चर है अपने आप में, ये सिर्फ 1-2-3 पे सीखने वाला नृत्य नहीं है, ये कल्चर है। तो वो कल्चर समझाते हुए, एंड शी हैज़ बीन अ वंडरफुल स्टूडेंट, वो एक एक बारी किया, मतलब हाथ कैसे हिलना है, कितनी दूरी तक जाना है, हाथ उसके साथ नज़र कितनी जाएगी, वो सब सीखते हुए उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती से सीखा। 2-2, 3-3 घंटे हम रिहर्सल करते थे, हर दिन करीब 15-16 दिन रिहर्सल किए हम लोगों ने, और फिर रिजल्ट तो आप लोगों ने देखा है, बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया है घूमर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम वो आज अवार्ड से नवाजा गया और आप लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली बहुत सारे सेक्टर्स में आज विंग्स ऑफ बॉलीवुड एंटरटेनमेंट काम कर रहा है, जिसमें से हम लोग ने अभी इस साल लगभग 5 फिल्म फेस्टिवल्स स्टार्ट किए हैं, जो एक जैसे कि भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हम लोग ने शुरू किया था फर्स्ट आज से 3 साल पहले, जिसके अंदर ओनली हम लोग ने सोशल सिनेमा को ही प्रायोरिटी दी है। उसके बाद में हम लोग ने महाराष्ट्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चालू किया, जिसके अंदर हम लोग ने महिलाओं की समस्या और बच्चों की समस्या को प्रायोरिटी दी। उसके बाद में हम लोग ने वुमन सिनेमा इसलिए शुरू किया क्योंकि स्पेसिफिक कोई सिनेमा फिल्म फेस्टिवल नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, जहाँ पे महिलाओं को अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग कैटेगरी में हम उनको मोटिवेटेड करें, उनके काम को सराहें, ताकि महिलाएं हमारे इस पृथ्वी का, इस पूरे संसार का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आज जो कोई भी मेल इस दुनिया में है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना, एक तो है अर्थ और एक अपनी जन्मदाता माँ है। इसलिए हम लोगों ने वुमन फिल्म फेस्टिवल चालू किया, और जब ही हमको पता चला कि ज्योति तोमर मैम ने हमको हाँ बोला है,
तो मतलब इससे बड़ा कोई डेट या कोई टाइम ही नहीं हो सकता। मैडम को जो टाइम है उस टाइम से हम टाइम ये मैच करें, और थैंक यू सो मच मैम कि आपने वक्त दिया और यहाँ पे आए। इससे हमारा वुमन फिल्म फेस्टिवल, ये आपका फिल्म फेस्टिवल एक बहुत एक लेवल पे जाके खड़ा हो गया। पाहिला ना आता ते आपला मस्तानी सिनेमामध्ये पण आहेत। आता असं आहे याच्यामध्ये मराठीत चालेल ना? हां, मॅडमला राष्ट्रपती पुरस्कार पण भेटला यावर्षी। याच्यामध्ये शेतकरी हा जवळपास पूर्ण कष्ट करतो, त्याचं कुटुंब कष्ट करतं आणि म्हणून देश जगतो, त्यांनी कबूल केलं आहे। ही शेतकऱ्यांनी कलाकारांची कदर केली, याला कदरदान म्हणतात। आणि ही कदर करणंसुद्धा फार मोठं काम आहे। विक्रांत मोरेंनी शरद जोशी विचारमन शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून हा सेकंड फिल्म फेस्टिवल जो पुरस्काराचं आयोजन केलं, तर याच्यामध्ये सर्व महिलांचा सत्कार केला। आणि शरद जोशींची संकल्पना आहे, 1985 ज्यावेळेस शरद जोशींनी भारतामध्ये पहिलं आंदोलन केलं, त्यावेळेस एका आंदोलनामध्ये एका सभेला एका वेळेला 500,000 महिलांची उपस्थिती होती। त्याच्या अगोदरही कधी एवढं मोठं आंदोलन झालं नाही आणि पुढेही कधी एवढं मोठं आंदोलन झालं नाही। शरद जोशींचं म्हणणं त्याच्यामध्ये होतं की घरची लक्ष्मी ही महिला आहे आणि तिला जर आपण जपलं आणि तिचं जर आपण दुःख समजून घेतलं तर खऱ्या अर्थानं आपण तिला न्याय द्यायसारखं होईल। या ठिकाणी राज्यमंत्री बसलेले आहेत की त्यांनी सातबाऱ्यावरती महिलेचं नाव नव्हतं कुठल्याही प्रॉपर्टीवर, तर शरद जोशींच्या मागणीतून पुरुषाच्या सोबत महिलेचं नाव लागलं गेलं। आणि या ठिकाणी विक्रांतनी हा विषय मांडला, मला त्यांनी सांगितलं की आम्हाला हे करायचं आहे, तर मी लगेच त्यांना सांगितलं की यस, राष्ट्रपतींच्या हस्ते आणि सामाजिक क्षेत्रात काम केलेल्या महिलांचा आम्हाला सन्मान करायचा आहे। मी त्यांना म्हणलं आमची तयारी आहे, काय असेल ते आम्ही सर्व मदत आणि आम्ही याच्यामध्ये पूर्ण शक्तीने आणि ताकदीने उतरू। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आमच्या माहेश्वरी पाटील आणि आमचे अविनाश कोलते यांनी मराठी सिनेमा जो शेतकऱ्यांच्या विषयावरती घेतलेला आहे की आत्महत्या हा पर्याय नाही, आत्महत्या केल्याच्या नंतर त्या घरातल्या महिलेची जी काय स्थिती होती ही सांगण्या इतपत नाही, दयनीय अवस्था राहते। आम्ही राज्याच्या उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल केल्या, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा देखील आम्ही प्रयत्न केला। एवढंच नाही तर न्यायालयाच्या आदेशाने राज्याने केंद्र सरकारने याच्यामध्ये आदेश देखील काढले। कृषी मूल्य आयोगाचा मगाशी अविनाशने उल्लेख केला, तर कृषी किंमत न्यायाधिकरणाची स्थापना करा असा न्यायालयाने आदेश देऊन देखील राज्य सरकार त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करत नाही। आमचं म्हणणं आहे की किमान या सिनेमानी एक वेगळ्या प्रकारची भूमिका याच्यामध्ये मांडलेली आहे। मी या ठिकाणी उपेंद्र लिमये यांनी जो काही पोलीस अधिकारी त्या सिनेमामध्ये जो सादर केलेला आहे की आजच्या पोलीस खात्याला त्याची शरम वाटेल इतकी जबरदस्त मी त्यांचं संघटनेच्या वतीनं अत्यंत मनापासून कौतुक करतो। आमच्या या ठिकाणी पल्लवी पालकरनी जी महिला स्त्रीची जी त्या ठिकाणी भूमिका पहिल्यांदाच सिनेमामध्ये उतरलेल्या एका महिला कलाकारांनी शेतकऱ्यांचं सत्यता वास्तव तिथं मांडलं, त्यानंतर अधिकारी कसे असतात आणि राजकारणी कसे असतात याचा सर्वांगीण जो इतिहास सिनेमाच्या माध्यमातून मांडला तो सयाजी शिंदेंनी इतका टॉपवर नेलेला आहे की त्याच्यामध्ये राज्य सरकारमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी पोलीसकर्मी हे देखील त्याच्यामध्ये सरळ होतील। या ठिकाणी कमलेश सावंतवरती अन्याय केल्यासारखं होईल, कारण त्यांनी जो शेतकरी या ठिकाणी मांडला या कलाकारांचं या लेखकाचं आणि या डायरेक्टरचं कौतुक यांच्या कार्याची पावती म्हणून आजपर्यंत फास्ट यांनी सिनेमाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय 101 पुरस्कार मिळाले। हा सर्वात मोठा या ठिकाणी त्या आजच्या कार्यक्रमाचं फलित असेल। मी मीडियाच्या माध्यमातून सर्वांना आवाहन करेन, आम्ही लवकरच हा सिनेमा थिएटरला घेऊन येत आहोत। कोरोनाचा परिळ संपल्या संपल्या की या भारतामध्ये गेल्या 18 महिन्यात जर कुणी या देशाला जगवलं असेल तर फक्त कृषी इंडस्ट्री शेतकरी यांनी याला जगवलेला आहे। तुम्ही या मीडियाच्या माध्यमातून आमची व्यथा आमची मागणी शेतकऱ्यांच्या दरबारी मांडाल अशी या ठिकाणी मी या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नम्र विनंती करतो। जय किसान।
बस मैं एक बात कहना चाहूँगा मीडिया से कि जैसे कि सर ने अभी कहा कि 7-12 के अंदर जो प्रावधान जो किया शरद जोशी सर ने, तो ये जो क्लॉ है ये इसमें जो सत्यता है, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि महिलाओं को जो लीगल तरीके से जो अधिकार दिया है वो संवैधानिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अगर संविधान में वो क्लॉ नहीं लिखे होते महिलाओं के अगेंस्ट, महिलाओं को जिस तरीके से शोषण किया जाता था उसका पूरा रिसर्च करके जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले का जो सपना था, उस सपने को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में उस कलम में उसको बांधा गया, और उसके अंदर जो महिलाओं का फीमेल्स की जो रिजर्वेशंस है, महिलाओं का जो हक है कानूनन उसके अंदर डालना, ये सबसे पहला जो रेवोल्यूशन लाया वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले ने लाया है। और महिलाओं के लिए जिसने बड़े लेवल पे पूरे वर्ल्ड में अगर किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड सावित्रीबाई फुले है, इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं मानता हूँ। बस ये मीडिया से आपको बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल शरद जोशी विचार मंच को थैंक यू कहना चाहूँगी एंड वुमेन सिनेमा को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आगे क्या क्या अपनी पेंटिंग से क्या क्या आप मैसेज देती है कुछ आप बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पेंटिंग में तो सिर्फ कलर्स नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है, रियल रुद्राक्ष, एल्यूमिनियम फॉइल और एमसिल ये सब यूज़ किया है, तो ऑलरेडी ये पेंटिंग नॉर्मल पेंटिंग से अलग है, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रखा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके लिए मुझे अवार्ड मिला एंड या पेंटिंग्स में पहले तो ये बताना चाहूँगी जो मेहनत कर रही हूँ वो बस व्यूअर्स को समझ आए, वो उसको अच्छा रिवॉर्ड दे और सब जो भी मैं दिखाना चाहती हूँ वो समझें तो मुझे बहुत खुशी होगी, और जो भी मैं कॉन्टेक्ट दिखाना चाहती हूँ वो समझ जाए तो आई विल बी हैप्पी। थैंक यू। सॉरी जरा जोर से बोलिए प्लीज। आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके, और साथ ही साथ जो किसान और फिल्म इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन हुआ है आज, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी मराठी और हिंदी। ओके, मला हे म्हणायचं आहे की मी खूप आनंदी आहे या क्षणाला। चित्रकला आणि चित्रपट यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे, आणि चित्र हे मला चित्रपटात आणेल हे मला कधी वाटलं नव्हतं, आणि मला डिम्पल येते गालावर हे माझं खूप प्रसिद्ध गाणं आहे, आणि अजून मी काही खूप प्रसिद्ध गाणे करीन असे तुम्हाला आश्वासन देते। खूप आनंद होतो आहे, मलाच नाही तर माझ्या क्रूला मिळाले आहेत, फक्त मला नाही मिळाले आहेत, त्यामुळे जे पण श्रेय मिळतं ते माझ्या क्रूला आणि मला पण। अपकमिंग एक अल्बम करते आता हिंदीमध्ये, बॉलिवूडचा म्हणता येईल तो अल्बम, त्याचा नक्कीच ट्रेलर मी टाकेन तुम्हाला सगळ्यांना बघायला, ऑलमोस्ट 15 डेजमध्ये। आज का अवार्ड काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हुआ और काफ़ी अच्छे से लोग भी आए यहाँ पर जिन्हें हमने अवार्ड से सम्मानित किया, क्योंकि हमारे देश में वुमेन्स को किसी भी चीज़ के लिए एनकरेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आप सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप सबके थ्रू हम हमारे इस अवार्ड को, अवार्ड शो को लोगों तक पहुँचा पाएंगे, और हम बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, कट कर दो मैं समझ में नहीं, माइंड मेरा ब्लॉक है। क्या कहना चाहिए, कोविड के बाद सेकंड वेव के बाद एक बड़ा छोट ऑर्गेनाइज हुआ इतना बड़ा, क्या कहना चाहिए? ये जो वुमन सिनेमा आर्ट एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये शायद ही ऐसी पहली बार हुआ है कि सिनेमा एंड आर्ट कैटेगरी को एक ही साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, क्योंकि जब मैं
सर्वे कर रहा था मार्केट में कि सिनेमा के साथ साथ और क्या चीज़ें एसोसिएट हो सकती है जिसमें फीमेल्स को हम लोग फैलिसिटेट करें, तो मेरी जो सबसे पहला ध्यान जो गया वो आयुषु की पेंटिंग पे गया कि जो एक लड़की मैं उस बात पे बात नहीं करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोग चैनलाइज हुए, लेकिन उनकी जो पेंटिंग करने का जो तरीका था, उनका जो डेडिकेशन था कि स्टडीज़ में भी मेरिट में पास होने के बाद में मेरिट हुई है अपने कॉलेज से और मुंबई से भी फर्स्ट आई हुई है, और ये होने के बाद भी अपनी हॉबी को वक्त देना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमको लगा कि ऐसे प्रकार के न जाने और कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनको हमको फेलिसिटेट करना चाहिए, इसलिए हम लोग ने सिनेमा के साथ इसको एसोसिएट किया और आज ये फंक्शन हमारा सक्सेसफुल हुआ है। मैम आप क्या कहना चाहिए फीमेल को लेके, फीमेल को आज आपने एक अवार्ड दिया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगी, कोविड में भी आप लोग यहाँ पर आके हमारे इस इवेंट को कवर कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम अवार्ड की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, इतने बड़े बड़े लोगों को अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित करके उनके चीज़ें, उनके टैलेंट के लिए उन्हें अवार्ड देकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ का एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को माइंड में रखते हुए हमने ये वुमन सिनेमा अवार्ड स्टार्ट किया और ये हमारा सेकेंड ईयर है वुमन सिनेमा का। और हम ऐसा मैं चाहती हूँ कि ऐसे वुमन्स को उनके हर एक फील्ड में एनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने देखा कि फोटोग्राफी को आपने जो बैकग्राउंड में रहने वाले लोगों को भी आपने सम्मानित किया, हमने देखा है कि अवार्ड जो फंक्शन होते हैं उससे फेसेस को अवार्ड देते हैं, जो फेसेस रहते हैं, आपने पीछे जो काम करने वाले लोगों को भी अवार्ड दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, इसका जवाब देने बहुत अच्छा लगेगा। आपने जैसा किया कि जो फेसेस नोन नहीं है, जो अवार्ड के पीछे का पार्ट है, जैसे कि अब मैं जो बात कर रहा हूँ, या तो बड़े से बड़ा प्रमोशन होता है, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, किसी का भी प्रमोशन होता है, लेकिन वो मीडियाकर्मी जो पता नहीं कि किस किस लेवल पर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को रूम के रेंट भरने की समस्या है, कितने लोगों को घर की समस्या है, आज कोविड के दौरान हर कोई उनको मैं देख रहा हूँ कि आए दिन हर जगह अनाज बांटा जा रहा है, खाना बांटा जा रहा है, लेकिन उनके साथ में फ़ोटो निकाल के उनके इस प्रॉब्लम्स को दर्दनाक भी एक रूप दिया जा रहा है। मैंने देखा हूँ, मैं किसी का नाम ले लेना चाहूँगा, अभी हमारे फिल्मी जगत के ही काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने मीडियाकर्मियों को अवार्ड वो देते हैं, अनाज की मदद करते हैं कोविड के दौरान, और उसका फ़ोटो स्टेटस में डालते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है कि अगर आप उनको मदद करना चाहते हो तो फ़ोटो स्टेटस में डाल के आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या कोविड के पहले आपने कभी उनकी मदद की? नहीं की। आज कोविड के दौरान उनको 2-3 महीने का अनाज देने के बाद में आप उनकी फ़ोटोज निकालते हो, उनके स्टेटस में डालते हो, तो मुझे लगता है ऐसे आर्टिस्ट को धिक्कार करना चाहिए। ऐसे जो कोई भी लोग है, जो लोग कोविड में, चाहे मीडियाकर्मी हो, चाहे बीएमसी कानबर हो, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमेशा हिडन रहते समाज में, उनको राशन का 2-3 महीने का खर्च देकर फ़ोटो निकाल के स्टेटस में डालते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं निंदा करता हूँ ऐसी चीज़ की। इसीलिए मैंने हम चाहा कि क्यों नहीं इनको अवार्ड से फेलिसिटेट किया जाए। इसलिए हम लोग ने गाँव खेड़े में से उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, ऐसे ऐसे जगह से बहुत ही ग्राउंड लेवल से जुड़े लोगों को हम लोग ने यहाँ पर इन्वाइट किया, जो लोग तहे दिल से समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने कभी भी फोटो पे वगैरह पे डीपी डाल के अपने समाज कार्य को लोगों तक नहीं पहुंचाया, लेकिन हमने उनको ढूंढ के निकाला। मैम आप क्या कहना चाहिए, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है अवार्ड को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वुमन सिनेमा को थैंक यू बोलना चाहूँगी सबसे पहले, और विक्रांत सर को भी थैंक यू बोलूँगी, मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला इनकी वजह से, और मेरी पेंटिंग को भी अवार्ड मिला है, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर आगे की क्या प्लानिंग है, इच्छा हुआ है आगे आप क्या करने वाले हैं, पूरे देश में जितने महाराष्ट्र क्षेत्रीय संगठन हुए, क्या आगे जाके आप पूरे देश भर के क्षेत्रीय संगठन को लेके आगे कुछ काम करने वाले आप लोग? एक्चुअली क्षेत्रीय ऑलरेडी आए थे, यूपी से आए थे, लेकिन क्या बहुत बड़े पैमाने में अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों के साथ आप लोग कुछ काम करेंगे, या फिल्म या कुछ अलग? देखिए, इसके जवाब तो मैं ये देना चाहूँगा कि
अभी मैं देख रहा हूँ ना कि हमारे इंडिया के अंदर एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी सोशल इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों की, उस प्रॉब्लम के ऊपर फिल्में बनती है, उस प्रॉब्लम को लेके संगठन बनते हैं, एनजीओज बनते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर एनजीओज इस दर्द का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारी फंडिंग होती है और आखिर में प्रॉब्लम वहीं के वहीं है। अगर मैं देख रहा हूँ तो हर चीज़ को लेके, चाहे मीडियाकर्मी के एसोसिएशन बोले, चाहे वर्कर एसोसिएशन बोले, दुनिया भर के एसोसिएशन्स है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर है। तो हर प्रॉब्लम्स को लोग इनकैश करते हैं, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो सिर्फ बातें करते हैं, बातें होती है और बातें बातें हो जाती है, और सदियों से देख रहे हो कि प्रॉब्लम की यहीं पे है। आप देखोगे कि एक रिपोर्टर जो एक रिपोर्टिंग कर रहा है, या वो 8 घंटा एक इवेंट के अंदर खड़ा रह के वो चीज़ों को कवर कर रहा है, लेकिन एट द एंड आप कभी सुनोगे नहीं कि वो रिपोर्टर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, या उसका लड़का फॉरेन में जाके पढ़ रहा है। आखिर में नेताओं के लड़के पढ़ते हैं, जो ज़्यादातर आप देख रहे हैं। कितने ऐसे संगठन के नाम मैं बताना चाहूँगा जिनके एनजीओ और जिनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी फैमिली के जो लोग हैं फॉरेन में जाके पढ़ते हैं। जब एनजीओ चलाते थे ना, पैसा आया कहाँ से? ये जो गवर्नमेंट की फंडिंग है, मेरे को लगता है इसके ऊपर अंकुश लेने के लिए इस सारे मीडियाकर्मी ने एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर 100 एनजीओज है तो 100 में से मैं देख रहा हूँ 90 एनजीओज जो है वो तो सिर्फ पेपर में, अखबार में, एक्टिविटी में अपने छोटे छोटे कार्य इतने बड़े लेवल पर हाईलाइट करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? अगर शेतकरी संगठन इतने बड़े लेवल पर काम कर रहा है तो मुझे बताओ ये आत्महत्या रुक क्यों नहीं रही है? तो मुझे लगता है हमको जड़ पे काम करने की ज़रूरत है, जड़ पे, वो तो ग्राउंड लेवल पे, जिनके बिना हम अधूरे हैं। तो आत्महत्या की बात, आत्महत्या की बातें, इसे बातें हो जाएगी, आखिर में समस्या के जगह पे रहेगी। और मैं तो देख रहा हूँ आज किसान, मेरे को लगता है शायद 9 से 10 महीना हुआ वहाँ पे है टेंट में, उनकी मुझे नहीं समझ में आता कि उनकी मांग क्या है, क्या नहीं, उनको समझना नहीं चाहता हूँ और बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसान समस्या में है, प्रॉब्लम में है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी इसका जवाब ना मेरे पास में है और शायद इन संगठन के पास में होगा। तो मैं भी इंतज़ार करूंगा कि क्या उन किसानों को न्याय मिलने में संगठन क्या करती है। 13 फिल्म तो हो चुकी है, ये टाइम आगे क्या प्लान? अभी जैसे कि कान फिल्म फेस्टिवल में इस साल 15 फिल्में इंडिया से सेलेक्ट हुई है, 15 फिल्में स्क्रीनिंग की जा रही है, इसमें से 13 फिल्में हमारी कंपनी है विंग्स टू बॉलीवुड एंटरटेनमेंट सेल्स कंपनी, इस कंपनी की है, और सारी की सारी सोशल फिल्मों को हम लोगों ने प्रायोरिटी दिया है। थैंक यू सो मच।